हेलो फ्रेंड्स, आस्था का किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेजवान चटनी। बहुत ही आसानी से घर पे बन जाएगा और हेल्दी भी रहेगा। तो सबसे पहले हम बारीक कटा प्याज लेते हैं, उसको कढ़ाई में डाल के हल्का गुलाबी होने तक भूनते हैं। इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं 2 चम्मच, और इसको अच्छे से भून लेते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से स्मेल निकल ना जाए और हल्का गुलाबी हो जाए। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं, इसमें से कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। हम 1.5 कप टमाटर का पेस्ट लेते हैं। आप चाहें तो सॉस यूज कर सकते हैं, पर टमाटर के पेस्ट से अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और लगभग 30 सेकंड तक हम भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच। वाइट विनेगर डालेंगे हम 1/2 कप। वाइट विनेगर से हमारी सेजवान चटनी का लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर ऐड करेंगे जिससे कि देखने में कलर ज़्यादा अच्छा लगे। इन सभी को हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे और नमक स्वाद अनुसार मिला लेते हैं। 1 पैकेट हम मैजिक मसाला डाल देंगे जिससे टेस्ट और भी अच्छा लगेगा और बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। जब हमारा सेजवान चटनी ठीक हो जाए तब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।